बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और उसकी जो एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बेटा 4.5 और 4.6 हमने जो है वो सॉल्व करने हैं। बेटा 4.5 न्यूमेरिकल में हमें क्या कहता है बुक में, बेटा जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 4.5 वाला, कहता है फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजेंटल। यानी यहाँ पे वो आपके पास एक बॉडी है जो एंगल कितना बना रही है बेटा 30 डिग्री। आगे क्या दिया हुआ है, आगे कहते हैं द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यानी एफ एक्स, वो कितने है, वो 20 न्यूटन है। और आपने बेटा क्या फाइंड करना है, आपने एफ फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है। यानी बेटा इसमें आपको जो गिवन डाटा दिया हुआ है, कहता है एक बॉडी है जो आपके पास है, उसका x कंपोनेंट 20 है, उसका एंगल 30 है, और f फाइंड करें। तो बेटा f x का फार्मूला हमारे पास था f cos of theta। तो f x की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई, f की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है ऐसे ही। और साथ है f cos theta, cos theta की जगह कितना है 30 डिग्री। अब बेटा हम क्या करेंगे, f इधर ही रहेगा, ये cos जो 30 है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, cos 30 डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे और 20 को डिवाइड कर देंगे cos 30 पे। कैलकुलेटर लिया, 20 डिवाइडेड बाय cos 30, तो हमारे पास आंसर आ गया 23.1। क्या आंसर आ गया बेटा, 23.1। ये फोर्स का आंसर है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल है 4.5 वो कंप्लीट हो गया, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब 4.6 वाले को देखते हैं इसमें क्या कहता है। 4.6 वाले में हमें जो बुक में डाटा दिया हुआ, कहता है स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कार जो है बेटा उसका जो स्टीयरिंग होता है उसका रेडियस जो है वो आपके पास कितना है 16 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट उसमें क्या दिया हुआ है गिवन, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। और आपने उसका टॉर्क फाइंड करना है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है 50 न्यूटन है। यानी आपके पास बेटा एक तो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है 16 सेंटीमीटर, उसको अगर आप मीटर में चेंज करें सेंटीमीटर को, तो 16 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.16 मीटर आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 50 न्यूटन। और हमने क्या फाइंड करना है बेटा, इसका टार्क फाइंड करना है। अब टार्क का जो फार्मूला है बेटा यहाँ पे यूज होना है इस वाले क्वेश्चन में, वो आपने यूज करना है 2R × F, यानी 2R F। 2R की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी है 0.16 मल्टीप्लाई F की वैल्यू है 50। अब फिर कैलकुलेटर लेंगे और इन सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे बेटा 2 × 0.16 × 50, तो ये हमारे पास है 0.16 × 50। ये बेटा हमारा आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 16। और जो टार्क होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो बेटा ये आपका जो न्यूमेरिकल था 4.6 वाला वो भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।